Very good morning, my lovely children. How are you? I hope you are all fine. I am also fine. This is your Hindi literature class, chapter 5, Lalach ka Phal. I read it. एक गांव में तीन भाई रहते थे, सोहन, मोहन और रोहन। तीनों भाई एक सेठ के यहाँ नौकरी करते थे। एक दिन तीनों भाई घर पर विश्राम कर रहे थे, अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज हुई। तीनों भाई बाहर आए, सामने फटे पुराने कपड़ों में एक फकीर खड़ा था। तीनों भाई बोले, बाबा हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं, कृपया घर के अंदर पधारिए। तीनों भाइयों ने फकीर की बहुत सेवा की। फकीर उनकी सेवा से प्रसन्न हो गया। उसने उनको आशीर्वाद दिया और कहा, तुम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसे काम बताऊंगा कि तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तीनों भाई फकीर के साथ चल दिए। चलते चलते वे गांव से दूर निकल आए। अचानक फकीर रुक गया। उसने सोहन से कुछ मांगने को कहा। मौका देखकर सोहन ने झट से कहा, बाबा मैं बहुत सारी उपजाऊ भूमि चाहता हूँ, मैं उस पर ढेर सारा अन्न लगाना चाहता हूँ। फकीर ने अपनी झोली में से कुछ फूल निकाले और धरती पर बिखेर दिए। देखते ही देखते एक बहुत बड़ा उपजाऊ खेत सामने था। इतना बड़ा खेत काफी है, काफी होगा। फकीर ने सोहन से पूछा। फकीर ने सोहन से कहा कि इतना बड़ा खेत काफी है। सोहन का लालच बढ़ गया। वह फकीर से बोला, अगर अच्छी फसल भी होती तो मजा आ जाता। फकीर समझ गया कि सोहन के मन में लालच आ गया है। फिर भी फकीर ने अपनी झोली से मोती निकालकर खेत में फेंक दिए। देखते देखते गेहूं की फसल उग गई। तीनों भाई इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। अब तुम इस फसल की कटाई करो और गेहूं बेचकर धन कमाओ। बाबा ने ऐसा कहा कि अब इस फसल की कटाई करना और धन कमाना। यह कहकर फकीर दोनों भाइयों के साथ आगे चल गया। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक भेड़ दिखाई दी। उस भेड़ को देखते ही मोहन बोला, मैं पशु पालन का धंधा करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरे पास बहुत सी भेड़ हो। मोहन का इतना कहना था कि फकीर ने झोली से मोती निकाले और धरती पर फेंक दिए। देखते ही देखते ढेर सारी भेड़ सामने खड़ी हो गई। अब फकीर और रोहन आगे चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए। फिर एक स्थान पर वे रुके। वहाँ उन्होंने ठंडा मीठा पानी पिया। तभी फकीर ने रोहन से पूछा, बेटा तुम क्या करना चाहते हो? रोहन बोला, मैं फूल उगाना चाहता हूँ। फकीर ने झोली में से मोती निकाले और उन्हें धरती में फेंक दिए। देखते ही देखते वहाँ हरियाली फूटने लगी और पौधे उग आए। फकीर बोला, अब हफ्ते भर में इन पौधों पर फूल उगाएंगे। यह कहकर फकीर आगे चल दिया। अगले दिन तीनों भाई इकट्ठे हुए। तीनों भाइयों के मन में लालच बढ़ता ही जा रहा था। अब वे फकीर की झोली को हथियाना चाहते थे। उनका मानना था कि उस झोली में ऐसे मोती हैं जिनसे मनोकामना पूरी की जा सकती है। तो तीनों भाइयों के मन में अब लालच बढ़ गया था। अब वो सोचने लगे थे कि हमें ये बाबा की झोली ही मिल जाए। वो सोचते थे कि इस झोली में ऐसे मोती हैं जिनसे सारी मनोकामनाएं पूर्ण की जा सकती हैं। अब तीनों भाई फकीर की खोज में जुट गए। वो उस फकीर को ढूंढने लगे। फकीर को ढूंढते ढूंढते कई दिन बीत गए। तीनों ने फकीर के मिलने की उम्मीद छोड़ दी। तीनों वापस अपने गांव की ओर चल दिए। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि ठीक प्रकार से देखभाल ना होने के कारण सारी फसल नष्ट हो गई है। सभी भेड़ मर गई और फूल भी सूख गए। अब ना तो गेहूं की फसल थी, ना भेड़ और ना ही फूलों के बगीचे। तीनों भाई अपने आप को कोसने लगे, परंतु अब कोसने से कुछ मिलने वाला नहीं था। अगर वे अधिक लालच नहीं करते तो फकीर द्वारा दी गई उपजाऊ भूमि भेड़ों और फूलों के बगीचे के स्वामी होते। तो आपने बच्चों देखा कि तीनों मोहन सोहन मोहन रोहन ने क्या किया, अधिक पाने की इच्छा की, यानी उनके मन में लालच बढ़ गया। तो इसका परिणाम, अधिक लालच करने का परिणाम हुआ कि उनके खेत भी नष्ट हो गए, फसल भी नष्ट हो गई और उनकी भेड़
इसलिए कहा जाता है कि जितना मिले उसी में ही संतोष करना चाहिए। फिनिश योर चैप्टर। ओके बाय।